हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज चर्चा करने वाला हूं कि जमीन का मौखिक बंटवारा कोर्ट में मान्य होता है या नहीं, और यदि मौखिक बंटवारा मान्य होगा तो किस परिस्थितियों में इस बंटवारे को मान्यता दी जाती है कोर्ट में, इस बंटवारे को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। इसे मैं आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 जजमेंट हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, उस जजमेंट को भी मैं बताऊंगा और उसके माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि ये बंटवारा सही है या गलत है, और यदि सही होता है तो कब इसको सही माना जाता है, या मौखिक बंटवारा को गलत यदि माना जाता है तो कब माना जाता है। इस बंटवारे के अंदर में आपको क्या क्या करना चाहिए, जो पक्षकार होते हैं उनको क्या क्या करना चाहिए जिससे कि ये गलत साबित ना हो जाए, तो इन तमाम मुद्दों पे मैं एक एक करके बताऊंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब बहुत सारे पक्षकार किसी प्रॉपर्टी में होते हैं तो वो कभी कभार ऐसे करते हैं कि आपस में ही जिसे फैमिली म्यूचुअल पार्टीशन कहते हैं वो कर लेते हैं, आपसी समझौते के आधार पे वो अपनी जमीन का बंटवारा कर लेते हैं, और बंटवारे करके सब अपने अपने जो भी पार्ट रहता है उस पार्ट पे कब्जा करके और रहते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा होता है कि एक पक्षकार उठ के कोर्ट में चला जाता है उस बंटवारे को गलत साबित करने के लिए कि इसको मैं गलत साबित कर दूं। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का कुछ इम्पोर्टेंट जो जजमेंट है उस जजमेंट को मैं बताना चाहूंगा। उस जजमेंट 3 जजमेंट ऐसे इम्पोर्टेंट जजमेंट है जो जजमेंट को जानना आपको जरूरी है, और उसमें क्या डिसीजन लिया गया है उस डिसीजन को यदि आप जान लेंगे, मैं सिर्फ डिसीजन की बात करूंगा कि तीनों ही जजमेंट में क्या डिसीजन है और उसका टाइटल बता दूंगा, जिससे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मौखिक बंटवारा कोर्ट में मान्य होता है या नहीं होता है। यदि किसी पार्टी के द्वारा किसी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ समय बाद यदि उस पर कोई ऑब्जेक्शन लाया जाता है तो। फ्रेंड्स, पहला जजमेंट है दयाराम वर्सेस हरचंद का, जो कि 1989 का जजमेंट है, 1989 का जजमेंट है। दूसरा जजमेंट है पवन वर्सेस नागू का, जो कि 1996 का जजमेंट है। और तीसरा जजमेंट है रामकिशन वर्सेस चंपकलाल का। ये तीनों ही जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और तीनों ही जजमेंट को जब हम पढ़े तो जजमेंट पढ़ने के बाद एक ही कंक्लूजन आया, एक ही निष्कर्ष पे हमने आए कि इस तीनों में ये कहा गया है कि यदि कोई पार्टीशन आपसी सहमति के आधार पर किसी भी परिवार में हो जाता है, और यदि महीने, 2 महीने, 6 महीने के अंदर उसके अंदर में यदि कोई भी पक्ष उसके लिए कोर्ट में जाते हैं कि मुझे बंटवारा में जमीन कम मिला, या मुझे बाय फोर्स इस पे दस्तखत करवाया गया, मैं इस पार्टीशन को नहीं मानता हूं, तो यदि 6 महीने के अंदर तक यदि इस चीज के लिए उसने कोर्ट में कोई सूट फाइल किया या इसको गलत साबित करने के लिए कोई दावा पेश करता है तो ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा इस पे विचार किया जाता है, उसका सुपरविजन किया जाता है, उस बंटवारे को पुनः बंटवारे के लिए बोला जाता है, और फिर उस बंटवारे को यदि गलत लगता है ऑनरेबल कोर्ट को तो उसको गलत साबित कर देता है और गलत मान्य घोषित कर देता है। लेकिन यहीं पे यदि यह बंटवारा महीने, 2 महीने, 6 महीने की बात नहीं रही, आप साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, कई साल बीतने के बाद यदि आप जाते हैं, कोई पक्ष जाता है कि नहीं इस बंटवारे को मैं गलत मानता हूँ, इस बंटवारे में मेरा शैन नहीं है, या मेरा जो है ये बंटवारे में जमीन कम है, इस चीज़ को लिए वो जाते हैं कोर्ट में बहुत समय के बाद, तो इसको कोर्ट निरस्त कर देता है, इस पर कोई विचार नहीं करता, कोई सुपरविजन नहीं करता, और कोर्ट उस बंटवारे को गलत साबित कर देता है। तो एक बात क्लियर हो गई कि आपका बंटवारा यदि हुआ है आपसी समझौते के आधार पर, अपने फैमिली में ही समझौते कर लिए, म्यूचुअल जो सहमति है, कंसेंट है, उसके आधार पर यदि आपने बंटवारा किया
और बंटवारे के महीने दो महीने छह महीने के अंदर यदि आप कोर्ट में जाएंगे उस बंटवारे को गलत साबित करने के लिए, तो आपके उस दावा पे विचार किया जाएगा और यदि वो गलत रहेगा तो उसे कोर्ट गलत घोषित कर देती है, निरस्त कर देती है। लेकिन आप यदि सालों साल बीतने के बाद जाते हैं तो उस पर कोर्ट का कोई विचार नहीं होता और कोर्ट उसे अमान्य घोषित कर देती है कि कोर्ट मौखिक बंटवारे को भी उसमें सही मान लेती है। लेकिन मौखिक बंटवारा जो होता है उसको ऐसे नहीं कि ओरली आपने बंटवारा कर लिया और उसको सही मान लेगा कोर्ट। मौखिक बंटवारे के भी कुछ कंडीशन होते हैं। कंडीशन ये होते हैं कि एक नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर ले लीजिए, उस स्टाम्प पेपर पे जितने भी पक्षधार हैं, जितने भी शेयर होल्डर हैं, उस पर जितने भी व्यक्तियों का उस पर पार्टीशन किया जाता है, उस पार्टीशन पे सभी व्यक्ति का जमीन का चौहद्दी उस पर लिखा जाए, जमीन का पूरा ब्यौरा लिखा जाए, उसके बाद सभी पक्ष के उस पर साइन होने चाहिए। साइन के बाद यदि विटनेस रहते हैं, गवाह रहते हैं, तो गवाहों का भी साइन होना चाहिए और उसके बाद वो पेपर सभी पक्षों में एक एक करके बांट देना चाहिए, दे देना चाहिए, ताकि सभी पक्षों के बीच वो पेपर रहे, सभी पक्षों के पास वो पेपर रहे, जिससे कि वो आगे में कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से यदि आप मौखिक बंटवारा लिखित के रूप में नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सभी पक्षों के हस्ताक्षर के साथ जमीन की चौहद्दी, जमीन का जो डिटेल है उसके साथ करते हैं, तो आपका वो वैलिड माना जाएगा और सालों साल बीतने के बाद यदि कोई पक्षकार कोर्ट में उस बंटवारे को गलत साबित करने के लिए दावा पेश करता है तो उस दावे को निरस्त किया जाता है। तो ये कुछ जानकारियां थी मेरे पास जो आपको देना जरूरी था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपको ये बोलूँगा कि आप मौखिक बंटवारा यदि करते हैं तो नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर उसका लिखित में पूरा जमीन का डिटेल, जितने पक्ष हैं उसका हस्ताक्षर और जो विटनेस है उसका हस्ताक्षर जरूर करवा लें, जिससे कि उसको गलत साबित ना कर सके कोई भी पक्ष। और जिस पक्ष को गलत साबित करना है वो छः महीने के अंदर ही चले जाए कि मुझे कम हिस्सा मिला या ये बंटवारा मेरे अनअपीयरेंस में किया गया है, या किसी भी तरीके का वो यदि उस पर ग्राउंड बनाना चाहते हैं तो ग्राउंड बना के महीने दो महीने छः महीने के अंदर जाए तो उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन यदि सालों साल बीतने के बाद आप जाते हैं उस बंटवारे को गलत साबित करने के लिए तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा और आपके विपक्ष में फैसला दे दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग इस जानकारी को लीजिए और अपने बंटवारे को सही से कीजिए यदि आपसी समझौते के आधार पर करते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। जब तक इसको आप शेयर नहीं करेंगे तो इस तरीके की वैल्यूबल जानकारी जो आप लोगों को मैं देता हूँ, इस जानकारी का ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। इसका जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जमीन से रिलेटेड, वो नहीं मिल पाएगा। इसीलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, इस तरीके की यदि वैल्यूबल जानकारी आप चाहते हैं मुझसे तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके और डीएम कीजिए, उस पर मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा कॉल नंबर स्क्रीन पर दिखाई देगा, उस पर आप मुझे बुक कर सकते हैं, कॉल के लिए बुक कर सकते हैं जो कि पेबल होगा और उसके बाद पेड कॉल होगा और उसके बाद आप मुझसे बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।